नाज़रीन, आज एक्सपो यहाँ पर लगी है। बड़ी तादाद में जो है वो शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, तालब इलम मौजूद हैं और मुख्तलिफ जो स्टॉल्स हैं उनका रुख कर रहे हैं। मेरे साथ अलमेरा फाउंडेशन के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मैडम मौजूद है। मैडम बताइएगा, आज की एक्सपो में आपका भी यहाँ पर स्पेशल काउंटर लगा है, तो ये बताइएगा अलमेरा फाउंडेशन जो है ये क्या खिदमात अंजाम दे रही है और जो उसकी अचीवमेंट्स हैं वो क्या है? अच्छा, अलमेरा फाउंडेशन 27 साल से जो है सोसाइटी में वेलफेयर के काम कर रही है, जिसे मेजर अब्दुल रशीद वड़ाई साहब ने शुरू किया था फोर्सेस एकेडमी वाले। और पहला सबसे प्रोजेक्ट जो था वो ये था, लंगर चला रहे थे जिसमें डेली 27 साल से 450 लोगों को खाना खिलाया जाता है और आज तक उस वहाँ पर कभी छुट्टी नहीं हुई है, चाहे आंधी तूफ़ान बारिश कुछ भी हो। उसके बाद दूसरा जो था वो हमारा ये था कि राशन, जो सफ़ेद कॉलर लोग हैं सामने नहीं आना चाहते हैं, उनके लिए ये था कि उनको राशन पहुंचाने के लिए उनकी फैमिली हमारे साथ रजिस्टर्ड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना हम उन्हें जानते हैं वो, ना वो हमें जानते हैं, लेकिन उन तक चीज़ें पहुँचती हैं। और इसी तरह हॉस्पिटल्स वगैरह में अगर कोई पेशेंट नहीं दे सक रहा अपने तो उसको हम मदद करते हैं। इसी तरह कुछ स्टूडेंट जो फीस पे नहीं कर सकते उनको मदद करते हैं। अब उसके बाद हमारा सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट जो मेजर साहब की बेटी सोफिया वड़ाइस ने शुरू किया है वो है यतीम बच्चों की कफालत, इनकी जिम्मेदारी। इसमें यह है कि हम ले रहे हैं 3 से 5 साल के बच्चे, क्योंकि ये बच्चे 5 साल की उम्र तक बच्चा जो है अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रोसेस में होता है। अगर इस उम्र का बच्चा ले लेते हैं तो उस ट्रॉमा से वो बड़ी जल्दी बाहर निकल आता है जो उसकी बैक पर होता है बाप या माँ के जाने की वजह से। तो इस तरह हमारा ये है कि हमने उनको कोई बोर्डिंग नहीं दी है, हमने अपना घर के नाम से उनको घर दिए हैं। उनको, उन लोगों को, उन बच्चों को कुछ नहीं पता, हमारे कहीं पे किसी वैगन पे उस पर कोई स्टिकर नहीं है कि उनकी पहचान हो कि ये कौन लोग हैं। तो इसी तरह हम वहाँ पर जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें ज़िकैस स्कूल हमें स्पॉन्सर कर रहा है स्टडीज़ में, और साथ साथ हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, फिर उसके बाद हमारे ट्यूटर हैं, कारी साहब हैं, और बेहतरीन फूड उनको जो हम जलाल सन से बाकायदा लेते हैं वो प्रोवाइड किया जाता है। कोई हल्की खुराक हम उन्हें नहीं देते हैं। उनकी सेहत का मेडिकल के लिए सर्विसेज हॉस्पिटल के बहुत से डॉक्टर हमारे साथ हैं। देखिए, हजूर ससम का भी फरमान है कि जो कोई एक बच्चे के सर, यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखेगा क़्यामत के रोज़ वो मेरे साथ ऐसे होगा जैसे उन्होंने अपनी दो उंगलियाँ शहादत और दरमियान वाली उंगली को मिला के का। एक साइड हमारी ये बनती इस्लाम की रूह से कि हम इन बच्चों के सरों पर हाथ रखें जिनके सर से बाप का साया उठ गया है, या वो सोसाइटी में कुछ ऐसी क्राइसिस में है कि वो अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते। नंबर दो, दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप ये देखें कि अगर आज हमने इन बच्चों को सेफ नहीं किया और वो सड़कों पे फिरते हुए माफिया के हाथों में चले गए तो सोचिएगा कि आइंदा आपके बच्चों तक उनका हाथ पहुँचेगा। आपके स्कूलों में ड्रग्स और ये सारी चीज़ें प्रोवाइडर यही होंगे। तो बेहतर है कि कल जो हम अपनी औलाद के लिए रोएं तो क्यों ना हम इन बच्चों को क्यों ना सेफ कर दें, इनको वो अच्छी सोच क्यों ना दे दें, उन्हें पाकिस्तान का एक अच्छा शहरी अच्छा इंसान क्यों ना बना दें। थैंक यू जी। नाज़रीन, एक्सपो के मनाजर आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। मेरे साथ ज़िकैस स्कूल सिस्टम की जो प्रिंसिपल है वो मौजूद है और उनका जो यहाँ पर जो उनका स्टॉल यहाँ पर लगा है आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद यहाँ पर जो है वो शहरियों की रुक भी रही है, तमाम मनाजर देख रही है। आज की जो एक्सपो का इनेकाद किया गया है नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट में, आप लोग तशरीफ ला रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी, दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आई थिंक फॉर ऑल द स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, बुक सेलर्स एज वेल। और इसमें बेसिकली एक तो तालीम की आगही फरोग ये है, उसके साथ साथ हर एज ग्रुप आ रहा है। इस दफ़ा जो एक्सपो है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि स्पेसिफ़िकली सिर्फ यूथ के लिए है या सिर्फ बच्चों के लिए है। सुबह हमारे पास 2.5 साल से लेके 80 साल की उम्र के हर एक ने ज़िकैस स्कूल का इस स्टॉल को जैसे विज़िट किया तो हमारे लिए एक बहुत ही खुशाइंद बात थी। वो गेम्स भी खेल रहे हैं, वो एड्रेस भी कर रहे हैं, वो टैलेंट हंट में भी हिस्सा ले रहे हैं। सो ये बड़ा पॉजिटिव एक एस्पेक्ट है इस एक्सपो का। और इसके साथ साथ इसमें जो है बहुत कैची इज़ द जॉब फेयर, क्योंकि बहुत से यूथ जो है 65% है और उसको सिर्फ यूनिवर्सिटियाँ नहीं, उनको बाद में नौकरियाँ भी चाहिए। सो दे आर वेरी मच ज़िकैस स्कूल सिस्टम अपनी ट्रेडिशन को बरकरार रखते हुए यहाँ पर उसने इंटरटेनमेंट भी रखी है, एजुकेशन भी रखी है,
फ़न भी है और उसके साथ साथ जो है वो जितनी आप कह लें कि वो आ गई है वो भी मौजूद है। तो मैम ये देखें, फ़न के साथ ही जो है तालिबे इल्म, चूँकि आजकल बहुत सख्त हो रहा है, लोग उकता जाते हैं पढ़ाई से, ये एक बड़ा आपका अहम इनिशिएटिव है। ये बताइएगा कि ज़िकैर स्कूल सिस्टम की इसके, चूँकि मुस्तफ़ाबाद आपकी ब्रांच है, इसके अलावा भी कोई ब्रांच है, और अगर नहीं है तो कोई प्लानिंग आपकी है इस खिदमत के अज़म को मज़ीद बढ़ाने? बिल्कुल जी, मुस्तफ़ा टाउन में हमारे कैंपसेस हैं जिसमें हम मॉन्टेसरी को रन कर रहे हैं, विच इज़ अ प्योरली मारिया मॉन्टेसरी प्रोग्राम, जिसमें हमारे पास फिलिपिनो टीचर्स हैं, न्यूजीलैंड से एक्सपर्ट टीचर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, और इसके साथ साथ टीचर ट्रेनिंग वहाँ पे हमारा बड़ा फोकस एरिया है। इसके साथ साथ प्राइमरी स्कूल एंड सेकेंडरी स्कूल है, और हम एक्सपैंड भी कर रहे हैं, लाइक वी हैव दिस फ्रेंचाइज किट, इसी तरह से हम बेसिकली फ्रेंचाइज जो है ना वो भी ऑफर कर रहे हैं, और वी आर एक्सपेंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ साइट्स भी हमने डिसाइड कर ली हैं जहाँ पे इंशाल्लाह हमारी जो फ्रेंचाइज है वो बहुत जल्द हम उसके ऊपर लेके जा रहे हैं। ये भी बताइएगा कि तलीमी शोबे से वाबस्ता होने के साथ साथ ज़िकैर स्कूल सिस्टम जो है वो बहुत सी फाउंडेशन को स्पॉन्सर भी कर रहा है, तो इसकी कोई ख़ास वजह क्या आप देखते हैं? क्या ये जज्बा आप मज़ीद फैलाना चाहते हैं कि क्या वजह है? जी, अल्लाह ताला ने देखें कुरान में जब कहा नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, तो जब जब नमाज का जिक्र आया तो ज़कात का आया, तो अल्लाह ने कहा हुकूकुल्लाह करने तो हुकूकुल इबाद भी करो। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट जस्ट कि आप बिज़नेस ही करते हम रहें, दिस इज़ समथिंग कि हम अपना स्कूल रन करें विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल ऑन अ फी स्ट्रक्चर पे भी, और उसके साथ साथ जो अलमरा फाउंडेशन है इसके साथ भी हम इन कलेबरेशन है, बहुत से ऐसे बच्चे जो हमारे पास ज़ेर तालीम हैं जिनका डेफिनेटली वारिस भी नहीं है कोई, या यतीम है या इस तरह है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम जो है वो केयर और प्रोटेक्शन और उनकी एजुकेशन का ख्याल रखते हैं, और उनको उसी लेवल पे जो है वो एजुकेट करते हैं। सेम द मोमेंट एसएनसी केम, हमने उनकी सेम एसएनसी की बुक्स रखी, सेम एक्टिविटीज़। जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया नज़ीर। ज़िकैर स्कूल सिस्टम का ये स्टॉल है जहाँ पर उनकी प्रिंसिपल साहिबा की जो गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाया, आज की एक्सपो को वो खुशाइन करार दे रही हैं, इसके अलावा जो दीगर ज़िकैर स्कूल सिस्टम की जो अगली जो आइंदा आने वाले दिनों में जो उनके अहदाफ हैं और इस खिदमत के जज्बे को जिस तरह से वो बढ़ाना चाहते हैं, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। हमारे साथ ये एक्सपो जारी है और एक्सपो में मौजूद अफराद और जितने स्टॉल लगे हैं यही आप तक पहुँचाते हैं हमारे साथ। Whether it was COVID-19 or it was economic crisis or the recent floods, but Kingdom Valley has always tried to ease and comfort our dealers and clients. In addition to that, another big surprise is coming soon. Get ready. It is happening now.